गाइस आप देखते हैं क्वेश्चन 13 हम, ठीक है। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। कह रहा है कोई लाइट हाउस है 75 मीटर का, कह रहा है तो मैं 75 मीटर का बना लेता हूँ, ठीक है। 75 मीटर का कोई लाइट हाउस है, 75 मीटर का मैंने लाइट हाउस बना लिया, ठीक है। हाउस कह लो, लाइट हाउस कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, बिल्डिंग कह लो इसे। अब इन्होंने ये लाइट हाउस कह रहा है तो मैंने लाइट हाउस कह दिया, ठीक है। 75 मीटर का कोई लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल, कह रहे कि ये जो लाइट हाउस है ना वो सी लेवल बना हुआ है, मतलब ये ना सी लेवल है, ये वाटर भी है, वाटर है यहाँ पे, और इसके कोने में यहाँ पे लाइट हाउस कहीं बना हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कह रहे हैं कि जब हम इसके टॉप से, क्वेश्चन में कह रहा है, शुरुआत से कह रहा है, इसके जब हम टॉप से सी लेवल की तरफ देखते हैं ना, तो ये दो शिप्स जा रही हैं, ठीक है, एक शिप यहाँ पे जा रही है, एक शिप यहाँ पे जा रही है, ठीक है। कह रहे हैं ये जो दो शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बताया था आपको ऊपर से बनता है, ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, एक का 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इनको लाइंस के साथ ऐसे जोड़ लेता हूँ, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए मुझे इसके सामने ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है, इसके सामने मैंने ऐसे लाइन खींच दी, तो अब इस वाली शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन और इस वाली शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो इसका कितना हुआ 45 डिग्री, ठीक है। और जो मैं दूसरे बनाऊंगा, ये दूसरी शिप है, इसके लिए यहाँ से ऐसे जाएगा, ये होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब गाइस ऐसे मत कर देना कि इस वाले को 30 डिग्री बना देना, क्योंकि 30 डिग्री तो छोटे वाला एंगल होगा ना, ये एंगल देखो यहाँ से देखो इससे छोटा है ये, और ये 45 तो बड़ा होगा ना, ये बड़े वाला एंगल 45 होगा, ये वाला एंगल छोटे वाला 30 होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ इसको बना दिया, ठीक है। तो मैंने सोचा हमें और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, मतलब एक शिप दूसरे के पीछे है, मतलब ऐसे कह रहा है हमने, वो तो ऐसे ही बनाई है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, कह रहा है सेम एक ही साइड पे है लाइट हाउस की, इस साइड एक ही साइड, एक ही साइड ऐसे नहीं है, दोनों एक ही साइड पे है। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी शिप्स, मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है दो शिप्स के बीच में, ठीक है, ये निकालना है, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, अब सबसे पहले मैं इनको सबको नाम दे देता हूँ, ए बी, ये सी हो गया, ये डी, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया। अब गाइस इन, अब देखो इस वाला ट्रायंगल में देखो ए बी और डी में, ठीक है, ए बी और डी में देखो ध्यान से देखना कि हमें ना एक एंगल दिया हुआ है ए बी, एक मिनट देखो, ए बी डी, ए बी डी, अब आप कहोगे ए बी डी में हमें एंगल तो दिया नहीं हुआ, मैं देखो बताता हूँ कैसे। अब देखो गाइस ये तो आपको पता होगा ना, ये एंगल, ये ए, इसको नाम देता हूँ ई, ठीक है, जो हमारा ये एंगल है बी ए, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ऐसे कोई हमारा एंगल बना वो तो 90 डिग्री होगा ना, जो स्ट्रेट बना है तो पूरा 90 डिग्री होगा। अब गाइस देखो, अब हमें ये चीज 30 डिग्री दी हुई है, ठीक है, तो ये कितनी हुई फिर हमारी 60 डिग्री हुई। देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले लाइन को देखो, ए बी और ए ई को, ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, क्योंकि हमारा पूरा 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हुआ, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। इसलिए मुझे, मेरे को ए बी डी में मैंने सोचा मेरे को ये 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये वाली और ये वाली चीज़ होती है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री होगा ऐसे, ये इसके, ठीक है, ये सब मैंने 90 डिग्री बनाया, तो ये एंगल मुझे 60 डिग्री एंगल दिया हुआ मुझे, और एक साइड दी हुई है 75 मीटर, तो मैं ये पूरी वाली, ये पूरा निकाल लूंगा ए बी डी में। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी मुझे साइड दी हुई है 75 मीटर, और ये दिया, ये निकालना है मुझे बी डी, ठीक है, मैं पहले बी डी निकाल रहा हूँ, तो बी डी कैसे निकालूंगा, देखो बी डी और ए बी में क्या रिलेशन है, इस वाले एंगल के हिसाब से, इस वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हुआ बी डी, ये परपेंडिकुलर हुआ बी डी हमारा, परपेंडिकुलर हुआ, और ये ए बी बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही टेन थीटा वाला, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा बी डी हमें निकालना है, बी डी अपॉन में बेस कितना है 75, ठीक है, 75 हमारा बेस है ना, तो टेन थीटा, टेन थीटा की जगह मैं 60 लिखूंगा, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी डी बाय 75, कितना है, टेन 60 कितना होता है, टेन 60 होता है मेरा √3, तो कितना हो जाएगा √3 इज इक्वल टू बी डी बाय 75, तो बी डी कितना आ गया मेरा, बी डी इज इक्वल टू 75 √3, ठीक है। अब देखो गाइस बी डी मेरा आ गया 75 √3, ठीक है, बी डी ये पूरा है, पर मुझे सी डी निकालना है,
अब मैंने सोचा कि बी डी में से अगर मैं बी सी माइनस कर दूं तो मेरा सी डी आ जाएगा। देखो किसी भी लाइन में से ये कोई लाइन है और ये है, और मुझे ये पूरा 8 दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा 8 दिया हुआ है, और ये चीज़ दी हुई है 5, और मुझे ये निकालनी है सी डी। तो मैं क्या करूँगा, 8 माइनस 5 सी डी आ जाएगा मेरा, ठीक है, 8 में से 5 माइनस कर दूंगा तो सी डी आ जाएगा। तो अब देखो मैंने सोचा बी सी कैसे निकालूँ, अब मैंने सोचा बी सी कैसे निकलेगा। अब बी सी के लिए देखो ये वाला एंगल है, बी सी के लिए कौन सा एंगल है, ये वाला कितना होगा, ये वाला देखो कितना होगा, क्योंकि अब देखो ये वाला एंगल 45 है, ये 45 है, तो ये भी 45 हुआ, क्योंकि हमारा 90 होता है टोटल इसका, ये टोटल हमारा 90 होगा ना। अब ये एंगल एक 45 दिया हुआ है, तो ये भी 45 हुआ, क्योंकि हमारा इसका तो पूरा जो सम है ये तो पूरा 90 डिग्री है, तो एक 45 है, दूसरा भी 45 हुआ। अब इसका 30 था तो ये 60 हो गया था, 90 हो गया था ये, तो अब ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अब मैं क्या करूँगा, इस ये 45 हो गया हमारा एंगल ए बी सी में, इंटर एंगल ए बी सी। अब मुझे निकालना क्या है, बी सी, और दिया क्या हुआ मुझे ए बी, 75 दिया हुआ ए बी। तो मैं क्या करूँगा, वही 10 वाला फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है हमारा बी सी अपॉन में बेस कितना है 75, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा 10 45, कितना होता है 1, 1 इज इक्वल टू बी सी बाय 75, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा 75, ओवर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी आ गया मेरा 75, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 75 आ गया। अब ये मेरा 75 आ गया बी सी, इतना पार्ट मेरा 75 आ गया। तो इसमें से बड़े में से मैं छोटे वाला माइनस कर दूँगा तो सी डी आ जाएगा, तो हैंस हैंस सी डी इज इक्वल टू 75√3, 75√3 माइनस 75, दैट सी डी हमारा आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ से अब आप कॉमन ले लो तो वो अच्छी बात है, 75 कॉमन लिया, √3 माइनस 1, क्या मीटर में चल रहा है, किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है, तो मीटर आंसर, बस दैट्स इट। ये था हमारा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, ठीक है। बस मैंने यही इसमें बस ये एंगल्स का खेल है, कौन से एंगल्स कैसे लेने हैं, ठीक है। ये 30 है तो ये वाला 60 लेंगे ए बी डी में, और ये 45 है तो ए बी सी में कौन सा एंगल लगेगा, ए बी सी में ये वाला एंगल, तो ये है हमारा 45, मैंने निकाला है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन 13 भी हो गया खत्म।